नमस्कार, मैं हुशमानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 714 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित होगा तरंग मेधा उत्सव। BPSC अध्यक्ष ने कहा, सिर्फ 21 सितंबर को होगी BPSC 67वीं की PT परीक्षा। नगर निकाय चुनाव में इन लोगों की नहीं लगेगी ड्यूटी। नंबर 3 पर किसे करनी चाहिए बल्लेबाजी, विराट या सूर्या? गंभीर ने दिया दिलचस्प जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 714 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कुल मिलाकर 714 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन या MBA या PGDM या PG या BE या BTEC या ME या MTech पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बढ़ाई गई तिथि। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन लेने का सोच रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में सत्र 2022 और 23 में नामांकन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश नामांकन नहीं ले पाए थे, वो अब 15 सितंबर तक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इंटर एवं सर्टिफिकेट के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। नामांकन की भीड़ को देखते हुए वह विद्यार्थियों के अनुरोध पर उक्त तिथि को बढ़ाया गया है। विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर भी उक्त सूचना जारी कर दी गई है। बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, UFO फील्ड इन्वेस्टिगेटर और भारत में पैरानेक्सस प्रतिनिधि थे, जो रणविजय सिंह के साथ MTV गर्ल्स नाइट आउट, सनी लियोन के साथ हॉन्टेड वीकेंड्स, आज तक लाइव, इंडिया न्यूज 24, स्टार TV, ZTV, फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, सिफी के हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया और Sony TV के भूत आया जैसे टेलीविजन शो में दिखाई दिए थे। गौतम तिवारी पैरानॉर्मल रेडियो शो में अतिथि और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के CEO और संस्थापक भी थे। गौरव तिवारी का जन्म बिहार के पटना जिले में आज ही के दिन 2 सितंबर 1984 को हुआ था। दुर्भाग्यवश 7 जुलाई 2016 को अपने द्वारका स्थित घर में दम घुटने से वो मृत पाए गए, जिसके बाद लोगों द्वारा और विभिन्न मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी मृत्यु एक आत्महत्या थी। बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित होगा तरंग मेधा उत्सव। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस महीने की 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तरंग मेधा उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक असंगा चुबा आयोग के संबंधी पत्र के साथ DO ने अपना भी पत्र जारी कर सभी BEO और प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है, जिसमें पूरे जिले में 3 सितंबर को उपरोक्त प्रतियोगिता आयोजित करने का आदेश है। तरंग प्रतियोगिता के तहत अलग अलग विधाओं में बच्चों के बीच प्रतियोगिता होगी। वही 13 सितंबर को सुनिश्चित जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से चुना गया है, जहां प्रत्येक विधा सीनियर और जूनियर वर्ग एक एक अव्वल प्रतिभागियों तथा क्विज प्रतियोगिता में 2-2 प्रतिभागियों को भेजने का आदेश है। अब सफाई कर्मचारी सीखेंगे सफाई के गुर, यहाँ खोला जाएगा प्रशिक्षण केंद्र। अब बिहार के सफाई कर्मचारी सफाई की शिक्षा लेंगे। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कचरा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जिसमें 9000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। इस पर करीब 16 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के सकरा वाजिद पंचायत में 9000 वर्ग फुट में बनने वाला राज्य का यह पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें गीला, सूखा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ 80 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बताते चले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होगा। विभाग ने प्रथम किस्त के तौर पर 16 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए हैं।
ऑनलाइन कर सकेंगे पिंडदान। पर्यटन विभाग लेकर आया विशेष पैकेज। आगामी 9 सितंबर से गया में शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को लेकर प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। उन लोगों के लिए भी विशेष सुविधा है जो गया पहुंचकर पिंडदान नहीं कर सकते। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने देश और विदेश के पिंडदानियों के लिए घर बैठे ही पिंडदान की व्यवस्था की है। इसके लिए बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ई पिंडदान का पैकेज तैयार किया है। इसमें आपको कुल 20,425 रुपए का खर्च आएगा। पैकेज के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहकर अपने पितरों का पिंडदान करा सकता है और अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा, सिर्फ 21 सितंबर को होगी बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा। बीते दिन बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हुई है। इस बैठक में छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए नए नियम को वापस ले लिया गया है और पूर्व की तरह बीपीएससी की परीक्षा एक दिन में एक पाली में बिना परसेंटाइल सिस्टम के आयोजित की जाएगी। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसले के बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से बातचीत की गई, जहां उन्होंने बताया कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर हमारी सारी तैयारी पहले से ही है। अब हम एक ही दिन पीटी की परीक्षा 21 सितंबर को ले सकेंगे। अगर परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो परीक्षार्थी इस बात से चिंतित थे कि परीक्षा में अनावश्यक विलंब नहीं हो, तो हम 21 सितंबर को परीक्षा लेंगे। इससे एक और भी फायदा यह होगा कि यूपीएससी के अभ्यर्थी की 18 और 19 को परीक्षा है, तो उनको 2 दिन का गैप मिल जाएगा। चौमुखी महादेव मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है चौमुखी महादेव मंदिर। बसरा बस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चौमुखी महादेव मंदिर बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। यह वैशाली में ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों में से एक है और वैशाली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। चौमुखी महादेव या चतुर्मुखी महादेव भगवान शिव को समर्पित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह विक्रमादित्य चौमुखी मंदिर के रूप से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित 4 चेहरों के साथ एक विशाल शिवलिंग है। कहते हैं कि शिवलिंग के चारों मुख 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की किसानों के लिए मुआवजे की मांग। राजनीतिक द्वंद्व के बीच भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एक नई मांग सरकार के सामने रख दी है। दरअसल महागठबंधन सरकार के नए कानून मंत्री सह बेगूसराय जिला प्रभारी शमीम अहमद का बेगूसराय जिला पहुंचना हुआ, जहां स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय एक तरफ सुखाड़ से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ से जूझ रहा है। मेरे बेगूसराय में 3 विधानसभा बाढ़ हैं, पूर्ण रूपेण तबाह हैं। बछवाड़ा, मटिहानी और साहेबपुर कमाल का भाग गंगा से जुड़ा हुआ है। आज बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री बेगूसराय आ रहे हैं। बिहार सरकार से निवेदन है कि जनजीवन अस्त व्यस्त है, घर डूब चुका है, फसल डूब कर बर्बाद हो चुका है, जानवरों की मृत्यु हो रही है, इसलिए बिहार सरकार पूरे बेगूसराय जिले को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करे, प्रत्येक किसान को 25,000 रुपये का मुआवजा भी दे। सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल हुई खत्म। वेतन वृद्धि सहित अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने 6ठे दिन अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। राजधानी पटना में अब सफाई कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शहर में हड़ताल के कारण कूड़े का अंबार लग गया था, इससे लोग परेशान थे। शहर के कई कॉलोनी में डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं होने के कारण लोग अपना कचरा सड़क पर फेंकने को मजबूर थे। हालांकि निगम का दावा है कि शहर में हड़ताल के बीच भी विशेष साफ सफाई कराई जा रही थी। नीतीश का पोस्टर वार प्रदेश में दिखा, देश में भी दिखेगा। नीतीश कुमार ने अब केंद्र सरकार और बिहार में अपनी विपक्षी पार्टी भाजपा पर पोस्टर वार किया है। एक और जहां बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद अब केंद्र में भाजपा को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साझा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की चर्चाओं के बीच पटना में जदयू दफ्तर के बाहर बीते दिन नया होर्डिंग लगाया गया है। यहां 2 होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें एक पर लिखा है प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा और दूसरे पर लिखा है आश्वासन नहीं सुशासन। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश विपक्ष का चेहरा बनेंगे या नहीं, इस पर जदयू का स्टैंड यह है कि नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं है। हालांकि जो होर्डिंग लगाए गए हैं वो कुछ और इशारा कर रहा है। नगर निकाय चुनाव में लोगों की नहीं लगेगी ड्यूटी।
इस बार निकाय चुनाव में काफी वक्त लग रहा है, लेकिन निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इसी महीने निकाय चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। इस बीच नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहले नगर निकाय चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारी तथा कर्मियों को ड्यूटी दी जाती थी, लेकिन अब उन लोगों को इस चुनाव कार्य में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही और कई बदलाव किए गए हैं। वहीं 28 सितंबर को हर हाल में जिले के अधिकारी चुनाव सामग्री प्राप्त कर लेंगे। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण 8 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 18 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलों को दिए गए हैं। कार्तिक सिंह को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। महागठबंधन सरकार में बनाए गए कानून मंत्री ने बुधवार की देर शाम मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बीते दिन कार्तिक सिंह पर अपहरण केस में बेल जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कार्तिक सिंह को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। दानापुर की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। दानापुर ने इस मामले में 12 अगस्त 2022 को मोकामा थाना को जारी आदेश में कहा था कि कार्तिक एसी उर्फ मास्टर साहब को 1 सितंबर 2022 तक नो कर्सिप प्रदान किया जाता है, यानी कि 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अब उनकी यह याचिका खारिज कर दी गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवटें ली हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के करीब 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई। इन जिलों में बिहार के जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है, क्योंकि वज्रपात की वजह से आए दिन लोगों की जान जा रही है। वहीं अगले दिन 3 सितंबर के मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में भारी संख्या में पुलिसकर्मी गृह जिले में ही तैनात। बिहार पुलिस मुख्यालय ने विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला पकड़ा है। बिहार में करीब 875 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि अपने ही गृह जिले में पदस्थापित हैं। हालांकि इसकी भनक अब बिहार पुलिस मुख्यालय को लग चुकी है और अब इन सभी का ट्रांसफर कर दिया गया है। 31 अगस्त 2022 को पुलिस मुख्यालय के स्तर पर गठित स्थानांतरण समिति की बैठक में यह पाया गया है कि इन पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में है। यह स्थानांतरण पदस्थापन नीति के अनुरूप नहीं है। अब इसके बाद पुलिस मुख्यालय के DIG ने इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP से कहा है कि वे 10 सितंबर तक स्थानांतरित कर्मियों को विरमित करें। भाजपा ने नीतीश कुमार को बताया लालू का आदेश पालक। बिहार में राजनीतिक उछापटक के बीच बीते दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को लालू यादव का आदेश पालक बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का अब एकमात्र लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने और लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का रह गया है। बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि CM ने पुलिस और CID को केवल CBI, ED और आयकर की कहां छापेमारी होगी यह पता करने में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल लालू यादव परिवार के आदेश पालक की भूमिका में रह गए हैं। जायसवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे को लेकर भी कटाक्ष किया। नीतीश कुमार को क्लीन बोल्ड कर देने वाले बयान पर ललन सिंह का पलटवार। बिहार में पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी लगातार जारी है। बिहार में बनी नई सरकार पर विपक्ष भाजपा भी जुबानी हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जदयू के कद्दावर नेता भी फ्रंट फुट पर आए हुए हैं। इसी कड़ी में ललन सिंह ने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी को चुनौती देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें, वो दिन भूल गए जब मंत्री जी अदालत से सजा की कॉपी लेकर भाग गए। कार्तिक सिंह के मंत्री पद से इस्तीफे पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे, जिस पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अब तक पटना में कितनी कॉलोनियों का हुआ निर्माण और विकास। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी कड़ी में बीते दिन सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा है कि अब तक पटना में कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने स्पष्ट
किया था कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाना नहीं बल्कि ये है जदयू का लक्ष्य। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन जदयू के लक्ष्य के बारे में बताया। ललन सिंह ने बताया कि बीजेपी के विरुद्ध देश भर की सभी पार्टियों को एकजुट कर एक मंच पर लाना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम फिर से दोहराते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के कभी उम्मीदवार नहीं है, यह मीडिया के दिमाग की उपज है, एक एजेंडा के तहत इसे चलाया जा रहा है। जदयू का स्टैंड साफ है कि नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, न कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। आरोपित मंत्रियों को पद से हटाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कटिहार कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 10 साल पुराना है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार दौरे पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की जा रही है, खासकर दागी मंत्रियों के मुद्दे पर सरकार के बैकफुट में आने के सवाल पर जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कंप्रोमाइज मूड में नहीं है, इसलिए जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री को हटाया गया है। नंबर 3 पर किसे करनी चाहिए बल्लेबाजी, विराट या सूर्य? गंभीर ने दिया दिलचस्प जवाब। एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ सूर्य और विराट की साझेदारी की जहां हर जगह तारीफ हो रही है, वहीं टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल गंभीर चाहते हैं कि नंबर 3 पर भारत के लिए सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करे। गंभीर ने यह बयान भारत बनाम हांगकांग मैच में कॉमेंट्री के दौरान दिया। उनके साथ कॉमेंट्री कर रहे दीप दास गुप्ता ने भी गंभीर के बयान का समर्थन किया। गौतम गंभीर ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बायस्ड होकर बयान देता हूं, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवानी चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की शक्तियों के साथ उपाध्यक्ष के रूप में किया गया था। 1960 में तिब्बत के इतिहास में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के संसद का पहला चुनाव हुआ था। 1970 में कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक शिला का उद्घाटन हुआ था। 1885 में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक टी के माधवन का जन्म हुआ था। 1984 में भारतीय मॉडल और अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म हुआ था। 1988 में भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा का जन्म हुआ था। 1989 में भारतीय पार्श्व गायक स्मित सिंह सोढ़ी का जन्म हुआ था। 1955 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का निधन हुआ था। और आज ही राष्ट्रीय पोषाहार दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन विश्व नारियल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे इंडिया के जीडीपी पर किए जा रहे दावों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं प्रसारित होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ट्वीट के बारे में जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2022-23 में इंडिया की जीडीपी 34.42 ट्रिलियन है। दरअसल पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें एक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि भारत का जीडीपी क्वार्टर 1 यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च महीने का 34.42 ट्रिलियन है। इस दावे को पीआईबी फैक्ट ने फेक बताया है। साथ ही पीआईबी ने कहा कि क्वार्टर एक में इंडिया का जीडीपी 36.85 लाख करोड़ है। व्हाट्सएप में मिलेगा स्मार्ट वॉच के लिए वॉइस कॉल सपोर्ट। व्हाट्सएप ने एक नया बीटा बिल्ड शुरू कर दिया है जो वियर ओएस 3 स्मार्ट वॉच के लिए वॉइस कॉल सपोर्ट देता है। नए अपडेट के साथ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और हाल ही में लॉन्च गैलेक्सी वॉच 5 के यूजर स्मार्टफोन से ही व्हाट्सएप वॉइस कॉल में हिस्सा ले सकते हैं। अपने वियर ओएस 3 स्मार्ट वॉच पर व्हाट्सएप वॉइस कॉल रिसीव करने के लिए आपको चैटिंग ऐप को लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.22.19.12.12 पर अपडेट करना होगा। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और गैलेक्सी वॉच 5 व्हाट्सएप वॉइस कॉल के लिए एक अलग यूआई दिखाते हैं। जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप के लोगों को सामान्य कॉल से अलग करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से आने वाली कॉल को कॉन्टैक्ट डिटेल के तहत दिखाया जा रहा है। कपिल शर्मा के साथ अनबन को लेकर कृष्णा अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। द कपिल शर्मा शो का तीसरा सीजन जल्द आने वाला है। बीते बुधवार को सोनी टीवी ने वीडियो क्लिप शेयर कर नए कास्ट और उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी दी है, लेकिन इस लिस्ट में सभी पहले के किरदार हैं। वहीं शो में नई कास्ट एक्ट्रेस सृष्टि रोटे कपिल की लव इंटरेस्ट गजल शर्मा का किरदार निभाते हुए दिखेंगी, लेकिन इस लिस्ट में कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दी। इसको लेकर तरह तरह की गॉसिप चल रही थी कि कृष्णा और कपिल में अनबन हो गई। हालांकि
कृष्णा ने इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है, मैं और कपिल बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज रात को मैं और कपिल साथ में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आई लव हिम एंड ही लव मी, मेरा भी शो है वो और मैं शो में वापस आऊँगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बैद्यनाथ ठाकुर, आकाश कुमार सिन्हा, सुश्री पटेल, राहुल गुप्ता, भान प्रकाश मौर्य, अर्जुन कुमार, विजय घायल, रविशंकर, अशोक कुमार, मदन कुमार और मुन्ना कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो प्रशासन इसके लिए वहाँ क्या क्या कर रही है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।